हे गाइस वेलकम बैक टू न्यूज़ चैनल दोस्तों, फिर से लेकर आ चुका हूं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी के साथ सब वेलवेल वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले अमेज़न पे गिफ्ट वाउचर के ऊपर कि कैसे आपको ऐड करना है एंड क्या डिटेल सबमिट करना पड़ेगा, पूरा मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं एंड कब तक आपका अपना वाउचर का क्रेडिट ऐड हो जाएगा। पूरा डिटेल जानने के लिए इस वीडियो आप एंड तक बने रहे। तो गाइस जब भी आप यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू वाउचर को परचेज करते हो तो उसी प्लेटफॉर्म पर आपको एक यूनिक कोड वाउचर कोड देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे परचेज करा है मैजिक पिन एप्लीकेशन के मदद से, जहाँ पे मुझे इंस्टेंटली डिस्काउंट देखने को मिला है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे मैजिक पिन एप्लीकेशन में आ चुका हूँ एंड यहाँ पर गिफ्ट वाउचर वॉट ₹100 मैंने परचेज कर लिया है, जो कि मुझे फ्लैट ₹15 डिस्काउंट के साथ मिला है। तो गाइस अगर आपको भी जानना है कि कैसे आपको मैजिक पिन एप्लीकेशन से ऑनलाइन गिफ्ट वाउचर परचेज करना है, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसके यहाँ पे आप देख सकते होंगे इसी सेक्शन में, इसी इंटरफेस में यहाँ पे मुझे कोड देखने को मिल रहा है। सिंपल आपको इसी कूपन कोड या यूनिक कोड को कॉपी कर लेना है, आप किसी प्लेटफॉर्म से परचेस करोगे तो डेफिनेटली आपको ये कोड देखने को मिल जाएगा। करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली बैक आ जाना है एंड यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है Amazon एप्लीकेशन। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन साइन अप प्रोसेस कंप्लीट क्लिक कर लेना, अकाउंट क्रिएट कर लेना। करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसके यहाँ पे आप देख सकते होंगे यहाँ पे आपको Amazon पे सेक्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इस इंटरफेस में आ जाते हैं, जिसके यहाँ पे आप देख सकते होंगे। तो गाइस आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको क्विक एक्शन के सेक्शन में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है गिफ्ट कार्ड एंड वाउचर। तो गाइस सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे अब आप इसी इंटरफेस से परचेज भी कर सकते हो एंड ऐड भी कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाता है ऐड अ गिफ्ट कार्ड, जो कि पहला ही ऑप्शन अवेलेबल है ये गिफ्ट कार्ड के बगल में। तो गाइस सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम इस इंटरफेस में आ जाते हैं एंड जितने भी आपके गिफ्ट कार्ड में अवेलेबल बैलेंस होगा, जितने भी आपके अमेजोन पे बैलेंस अवेलेबल होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि ₹2 अवेलेबल है। तो गाइस अब आपको सिंपली करना क्या होगा, अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे गिफ्ट कार्ड कोड। तो बस सिंपली आपको एंटर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद वही कूपन कोड, जो कि सीक्रेट कूपन कोड आपको अपने रिडीम सेक्शन में मिला होगा, सिंपली आपको यहीं पे क्लिक कर देना है, पेश आउट कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्टेंटली यहाँ पे सक्सेसफुली एडिट हो जाएगा, जिसके यहाँ पे आप देख सकते होंगे गिफ्ट कार्ड एडिट सक्सेसफुली एंड अपडेटेड बैलेंस हो चुका है ₹102, जो कि टोटल ₹100 मुझे यहाँ पे गिफ्ट कार्ड के थ्रू क्रेडिट हो चुका है मेरे अपने गिफ्ट कार्ड वॉलेट में। सो गाइस कुछ इस तरीके से आपको अमेजोन पे एप्लीकेशन में या फिर अमेजोन एप्लीकेशन में गिफ्ट वाउचर को ऐड करना। आई होप मैंने आपको डिटेल समझा दिया हो। सो गाइस आई होप आपको अच्छी लगी हो। इस वक्त मत मिलियो इस जानकारी में, तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को देना सब्सक्राइब, क्योंकि आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कुछ इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते। तो गाइस फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।